जय हिंद दोस्तों। सारे ने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ क्या न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो आप लोग बने रहिएगा, एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हो, दिखाते हैं क्या न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये देखिए सारा में 1.22 लाख निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए की वेरिफिकेशन और भुगतान की प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 20/2/2023 का न्यू अपडेट है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए रांची सहारा इंडिया में 1.22 लाख निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए की वेरिफिकेशन और भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकारी समिति कार्यालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 1.22 लाख निवेशकों के दावे के भुगतान की पहल की क्रिया केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने यह जानकारी विधायक वीरांची नारायण को दी है। झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। वीरांची नारायण ने सहारा सहकारिता समितियों से निवेशकों की मैच्योरिटी राशि का भुगतान करवाने के लिए 13 जनवरी को वीएल वर्मा को पत्र लिखा था। उसके बाद चलते नीचे दिखाते हैं, ये देखिए सहारा ग्रुप में झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों के 3000 करोड़ फंसे हैं। सहारा ग्रुप में झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों के 3000 करोड़ फंसे हैं। उसके बाद ये देखिए सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में झारखंड के करीब 2.5 लाख निवेशकों के 3000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। जमा योजना की पॉलिसी मैच्योरिटी होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष से भुगतान पूरी तरह से बंद है। झारखंड के सभी जिलों में सहारा के दफ्तरों में हर रोज बढ़ती तादाद में निवेशकों का पॉलिसी की राशि के भुगतान की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं। रांची जमशेदपुर सहित कई शहरों में निवेशक सहारा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे दिखाते हैं कि दिसंबर तक झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। झारखंड विधानसभा में भी यह मामला कई बार उठ चुका है। बजट सत्र में विधायक नवीन जायसवाल ने मामला उठाया था, जिस पर सरकार की ओर से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में शीतकालीन सत्र में आजूस विधायक लंबोदर महतो ने मामला उठाया, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्र लेख ने बताया था कि सहारा इंडिया के झारखंड के निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपए की मॉनिटरिंग की जा रही है। दिसंबर तक झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। निवेशकों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है, झारखंड में यानी कि 745 निवेशकों का पैसा मिल चुका है दिसंबर में, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है एक एक करके, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी है सही देख रहे हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग जुड़ चुके हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो फिलहाल उनका हर हाल में पैसा मिलेगा, तो भाई कभी भी मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए भी सब्सक्राइब कर लें, और चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।